पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत संतति। प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातारं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषाते भृशं। भारत माता की जय। मित्रों को नमस्कार। राम जी के काल से वार्ता के समय लक्ष्मण जी को द्वार पर अनुशासन पूर्वक रहने के लिए कहा, लेकिन दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने घोषणा की कि लक्ष्मण या तुम मुझको जाने दो, नहीं तो मैं संपूर्ण अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी द्वंद्व में पड़ गए, यदि जाने देते हैं तो उनको स्वयं को ही दंड मिलेगा और नहीं जाने देते तो अयोध्या भस्म होती है। लक्ष्मण जी ने अयोध्या को बचाने के लिए
दुर्वासा ऋषि को जाने दिया। और उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि लक्ष्मण, अनुशासन भंग होने की सजा क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया 5 मिनट प्रतीक्षा करो और उसके बाद आप जो दंड देंगे स्वीकार है। वहां से लक्ष्मण जी जाते हैं और स्वयं सरयू में जल समाधि लेते हैं। ये लक्ष्मण, ये धरती की ताकत, अनुशासन का महत्व, धर्म के सामने भी धरती की ताकत नतमस्तक होती है। राम जी धर्म के उपासक थे, धर्म के प्रतीक थे और लक्ष्मण जी धरती की ताकत के प्रतीक थे। और इसलिए जब धर्म राज करता है तो सत्ता के सम्मुख अनुशासन का महत्व बढ़ जाता है। और इसलिए हमें भी अपने क्षेत्र में अनुशासन का महत्व समझाना होगा। रामायण हमारा मार्गदर्शन करती है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, यह क्रांति राम का वर्णन है, यह राम कथा नहीं है। हम सब राम कथा सुनते हैं, वह राम कथा परलोक को सुधारने के लिए कही जाती है और सुनी जाती है। उसमें इस लोक में हमको क्या करना है, बस भक्ति की बात बताई जाती है और भक्ति स्वयं में कुछ नहीं करती। भक्ति से जब संगठन जुड़ता है तो शक्ति पैदा होती है। क्रांति राम में हम उन पात्रों की चर्चा कर रहे हैं जिन पात्रों ने अपनी भूमिका से प्रभु राम की क्रांति को सफल किया। उसमें सर्वप्रथम हमने श्री हनुमान जी का स्मरण किया, क्योंकि वही तो मुख्य पात्र थे और वही हमारे गांव-गांव के नौजवान जिनको हम हनुमान बना हुआ देखना चाहते हैं उनके लिए आदर्श थे। फिर हमने माँ सीता का विचार किया, जो ग्रामों में निवास करने वाली समाज की प्रतिनिधि हैं। माँ सीता प्रकृति की बेटी है, धरती की बेटी है, धरती की संतान है। अतः हमारे देश में लगभग 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ समाज, यह सीता है। अब हम लखनलाल जी की ओर आगे बढ़ेंगे। लखनलाल जी शेषनाग के अवतार माने गए और शेषनाग धरती को धारण करने वाला माना गया, अर्थात धरती की ताकत या शेषनाग की ताकत से नापी जाती है। और शेषनाग की ताकत लखनलाल जी की ताकत से नापी जाती है। एकल अभियान धरती की ताकत जगाने का अभियान है, मानो लखनलाल जी को जगाने का अभियान है। लखनलाल जी अनेक बार मूर्छित हुए, लखनलाल जी अनेक बार क्रोधित हुए, लखनलाल जी अनेक बार निराश भी हुए, लेकिन प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी के सहयोग से लखनलाल जी सदैव ऊर्जावान रहे। हम सब एकल के कार्यकर्ताओं के लिए लखनलाल जी का जीवन बहुत ही प्रेरक है। हम प्रारंभ करते हैं लखनलाल जी के बारे में
श्री रामायण में क्या कहा गया, तुलसीदास जी ने लखनलाल जी का वर्णन कैसे किया, इसकी चर्चा हम चौपाइयों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। मैं भजन मंडली से प्रार्थना करता हूँ वे कृपया आरंभ करें। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भय तारण, जो अवतरे वो भूमि भय तारण, रघुपति की रति मल पताका, रघुपति की मल पताका, दंड समान भय जस जाका, दंड समान भय जस जाका, काचे घट जी मीडार सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, जो तुम्हारे अनुशासन पावौ, जो तुम्हारे अनुशासन पावौ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावौ, लखन सकोप वचन जय बोले, लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगानी महिदी कज डोले, डगमगानी महिदी कज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सजनक सकु जाने, सियहि हर सजनक सकु जाने, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण ने लखनलाल जी का दो परिचय दिया, एक तो वो शेषनाग के अवतार हैं अर्थात धरती की ताकत हैं, लेकिन दूसरा परिचय बहुत महत्वपूर्ण दिया, वो एक ध्वज का उदाहरण दे रहे हैं जिसमें राज दंड के रूप में लक्ष्मण जी की चर्चा है और धर्म ध्वजा के रूप में राम जी की चर्चा है और उसका यश चारों ओर फैल रहा है। मित्रों, हम लोगों ने पूर्व सत्र में राज दंड और धर्म ध्वजा इसके बारे में कई बार सुना है। सत्य बात तो यह है, हमारे देश में जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग माना उन्होंने भी अपराध किया, और जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग माना उन्होंने भी अपराध किया। जिन्होंने राजनीति को वेश्या कहकर अपमानित किया वो भी अपराधी हैं, और जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की वो भी अपराधी है। हमारा शास्त्र बताता है कि राज दंड और धर्म ध्वजा का समन्वय ही धर्म है, वही प्रजा का कल्याण करता है। प्रजा का कल्याण ही धर्म है, और प्रजा का कल्याण केवल धर्म नहीं कर सकता
धर्म ध्वजा नहीं कर सकती, केवल राज दंड नहीं कर सकता। जब राज दंड पर धर्म ध्वजा विराजित होती है तभी प्रजा का कल्याण होता है। हमने हनुमान चालीसा में सुना, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ छाजे। उसी बात को यहाँ पुनः कहा जा रहा है। रघुपति की रीति विमल पताका, रघुपति के कीर्ति की जो विमल पताका है उसमें लखनलाल जी दंड के समान है, राज दंड। अब देखो, अभी आप वर्णन में सुनेंगे, राज दंड यदि क्रोधित नहीं होता, राजा को यदि क्रोध नहीं आता दुश्मन को देखकर, वो राज्य नहीं कर सकता और धर्म मर्यादा में नहीं रह सकता, नहीं रहता वो धर्म भी नहीं हो सकता है। इसलिए पूरी रामायण में मैं कई बार सोचता हूं कि राम जी के लिए सबसे बड़ा संकट कौन था, केकई, दशरथ जी, सीता जी या लखनलाल जी? और मेरा मन कहता है कि लखनलाल जी को संभालना यही राम जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लखनलाल जी राम जी के प्रति समर्पित तो थे लेकिन सहमत नहीं थे। ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया जिसमें लखनलाल जी ने अपना विरोध प्रकट नहीं किया, चाहे वनवास जाने की बात हो, चाहे भरत की बात हो, चाहे समुद्र के सुखाने की बात हो, और चाहे माँ सीता की अग्नि परीक्षा की बात हो, कोई बात हो, लखनलाल जी ने पहले आपत्ति की, असहमति व्यक्त की। लेकिन यह तो राम जी की विशेषता है कि उन्होंने लखनलाल जी को सदैव शांत किया, सहमत किया, अपने अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया। यही काम है धर्म सत्ता का, जो राज सत्ता को, राज सत्ता के क्रोध को, राज सत्ता के व्यवहार को, राज सत्ता के कर्तव्यों को संतुलित करे, समन्वित करे। हम आगे सुनेंगे कैसे लखनलाल जी ने वनवास के समय राम जी का विरोध किया, कैसे लखनलाल जी ने चित्रकूट में जब भरत जी आ रहे थे तो भरत जी को एक प्रकार से युद्ध में मार देने की प्रतिज्ञा सी कर ली थी, कैसे लखनलाल जी ने जब राम जी समुद्र को मार्ग मांग रहे थे राम जी का आप विरोध किया, कैसे लखनलाल जी ने जब राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली उसका विरोध किया, हर कदम पर विरोध किया। अब ये विरोध की चर्चा मानस में कम है लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत है। पुनः वही बात, वाल्मीकि रामायण एक प्रकार से आंखों देखी कमेंट्री थी और तुलसीदास जी 500 वर्ष पूर्व देश की तत्कालीन परिस्थिति को सुधारने के लिए मार्ग बता रहे थे। अंतर तो स्वाभाविक है क्योंकि रामायण कोई परलोक के लिए नहीं लिखी किसी ने भी, वो तो इसी लोक के लिए लिखी गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कथावाचकों ने, हमारे संत महात्माओं ने यह इस लोक के लिए लिखी गई रामायण को परलोक के लिए बना दिया, अर्थात जनजीवन से काट दिया। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब रामायण तुम्हारा कल्याण करेगी। यह कैसी विचित्र बात है, लेकिन सचमुच में रामायण हमको इसी लोक में कैसे हम स्वर्ग प्राप्त कर सकें, कैसे हम सुख और शांति से रह सकें, इसका ही वर्णन रामायण में है। तो लखनलाल जी को
दो जगह यह वर्णित किया गया, एक तो शेषनाग का अवतार और एक राजदंड का प्रतिनिधि। अब देखो इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो एक नई बात मालूम पड़ती है। राजदंड कौन बनाता है? डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सरकार कौन बनाता है? यही धरती की ताकत, यही 50 करोड़ लोग। आज हम अपने देश की राजनीति का विचार करें तो हमारे देश में 20 करोड़ अल्पसंख्यक एकजुट होने के कारण पिछले 60-65 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया, जो चाहा मनवा लिया, और लगभग 100 करोड़ हिंदू समाज द्वितीय श्रेणी का बन गया, अपमानित रहा, चुनाव क्षेत्र में किसी को, किसी पार्टी को, उस चुनाव क्षेत्र में किसी पार्टी को, बस जो हिंदुत्व को हरा दे बस वही उनके लिए प्रिय पार्टी है। लेकिन हमारा यह वनवासी समाज ये भी 80-90% वोट देता है लेकिन सोया हुआ है, संगठित नहीं है, जागृत नहीं है। इनके ही वोट से लोग संसद में या विधानसभा में जाते हैं लेकिन वहां जाकर फिर इन पर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए यदि हमारा यह 50 करोड़ का समाज जिसमें लगभग 35 करोड़ वोटर, जिसमें लगभग 20-25 करोड़ वोट डालते हैं, यह 20-25 करोड़ वोट राम जी का वोट बैंक बन जाए, हनुमान जी का वोट बैंक बन जाए, माँ सीता का वोट बैंक बन जाए, लखनलाल जी का वोट बैंक बन जाए, तो कौन सी ताकत है जो इस देश में हिंदुत्व को परास्त कर सकती है? बस रामायण हमको यही संदेश दे रही है कि लखनलाल और राम ये एक दूसरे के पूरक हैं। लखनलाल माने राजनीति को, राजसत्ता को वो सब काम करना पड़ेगा जो राजसत्ता के लिए, प्रशासन के लिए आवश्यक है, और राम को अपने प्रेम से, मर्यादा से, धर्म से उसको संभालना पड़ेगा। लखनलाल जी का पहला परिचय, वनगमन की बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहला परिचय मिला वनगमन से पूर्व जब धनुष भंग की घटना हुई। विश्वामित्र जी राम लखमण जी को प्रशिक्षण के लिए ले गए और हमको पता है कि बिहार का जो बक्सर जिला है वही विश्वामित्र जी का तपस्या स्थल था, और बिहार से फिर वे जनकपुर गए। जनकपुर में धनुष भंग की घटना, जिसकी चर्चा हम लोग फिर बाद में करेंगे, लेकिन धनुष भंग की घटना में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आया। जैसा मैंने कल बताया था कि सीता जी को वरण करने के लिए बहुत से राजा आए, लेकिन चूंकि सीता उपेक्षित थी, ना उसके माता पिता का ज्ञान, ना उसके भाई बहन का ज्ञान, ना उसके गांव का ज्ञान, ना उसकी जाति का ज्ञान, कौन राजा उसको अपने पत्नी बनाएगा? तभी राम ने कहा कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसके लिए ही राम पैदा हुआ है। लेकिन एक ऐसा प्रसंग आया
जब विश्वामित्र जी प्रभु राम और लक्ष्मण लाल जी उस विवाह मंडप में बैठे थे, जनक जी ने घोषणा कर दी कि जो इस धनुष को भंग करेगा या इसका संधान करेगा, सीता उसका वरण करेगी। सारे राजा आए, सबने पूरा प्रयास किया। अरे वर्णन तो यहां तक है कि स्वयं रावण गया था, जिसने पूरा हिमालय उठा लिया, कैलाश पर्वत उठा लिया, वो भी धनुष को नहीं उठा सका। सब राजा हार गए, सब जनक जी बहुत निराश हो गए। और जनक जी ने कहा, क्या ये मैं मान लूं कि पूरी धरती वीरों के विहीन हो गई, कोई वीर नहीं बचा? सब राजा तो अपना सर नीचे किया बैठे थे, लेकिन धरती की ताकत लखन लाल जी ये अपमान की बात कैसे सुन सकते थे, खड़े हो गए। और उन्होंने जनक जी का, जनक जी संभल कर बोलिए, जहां मैं बैठा हूं वहां आप ये कैसे कह सकते हैं कि धरती वीरों से विहीन हो गई? अरे राम जी भाई, प्रभु मुझे आदेश दें तो मैं पूरी धरती को एक गेंद के समान लेकर दौड़ सकता हूं। मुझे प्रभु आदेश दें, कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूं। मुझे प्रभु आदेश दें तो मूली की तरह मैं इसको तोड़ सकता हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे रहते हुए आप इस प्रकार की बात करेंगे, यह स्वीकार नहीं है। लखनलाल जी के इस कथन से राजा जनक वह तो संकोच में पड़े ही, लेकिन सारे राजा जो आए थे सब भयभीत हो गए, क्योंकि लखनलाल जी जब धरती की ताकत है, इस देश के शौर्य समाज के संगठन की आवाज हैं, मां दुर्गा के संतानों की संगठित आवाज हैं, तो फिर कौन कह सकता है कि इस देश में कोई वीर नहीं है? मित्रों, जो धनुष भंग आज से हजारों वर्ष पहले हुआ था, वही धनुष भंग का अवसर आज पुनः उपस्थित हो गया है। धनुष भंग के बारे में जब मैं विस्तार से बताऊंगा तब आपको आश्चर्य होगा कि कोई धनुष नहीं था जिसका संधान किया गया। ये तो एक उपमा में बताया गया, ठीक है, हमारे समाज की धारणा के लिए उपमा में जो बताया गया मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वो समाज की जड़ अवस्था को बदलने का राम का संकल्प था, उसको ही धनुष भंग का उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया, वाल्मीकि जी ने दिया, मैं उसका वर्णन करूंगा जब राम जी का वर्णन करूंगा मैं। लेकिन लखनलाल जी, इन्होंने परिचय दे दिया कि यदि धर्म, यदि मर्यादा अनुमति दे तो यह धरती की ताकत, ये 50 करोड़ का समाज क्या नहीं कर सकता है? इस विश्वास को ही, इस आत्मविश्वास को ही रामायण लखनलाल जी के माध्यम से हमारे अंदर एक शक्ति का संचार कर रही है, एक ऊर्जा का संचार कर रही है। और जैसे मैं प्रारंभ में कहा कि यह क्रांति राम की का उद्घोष कार्यक्रम क्या सिद्ध करने के लिए हो रहा है, एक ही बात, एक ही वाक्य, ऐसा कोई काम नहीं जो प्रभु राम ने किया और आज एकल अभियान नहीं कर रहा, ऐसा कोई काम नहीं जो एकल अभियान कर रहा है उसकी चौपाई मानस में नहीं मिलती, कितना साम्य है। वहां पर भी तो
राम जी अर्थात धर्म अर्थात मर्यादा अर्थात इस देश की आंतरिक शक्ति इस धरती की ताकत को ही तो संभाल रही थी, उसके क्रोध को ही तो सहन कर रही थी, और आज भी हमें अपनी मर्यादा में रहते हुए धरती की ताकत को जगाना है, माने लखन लाल जी को जगाना है। अब इसके बाद लखन लाल जी का वनवास का प्रसंग आता है, उस प्रसंग की चर्चा भी बहुत हमारे लिए प्रेरणास्पद भी है, शिक्षाप्रद भी है। वाल्मीकि रामायण में जरा विस्तार से लिखा गया है, क्योंकि वाल्मीकि जी को किसी का परहेज नहीं करना था, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, और तुलसीदास जी को तो 500 वर्ष पूर्व के बाबर के राज्य की मर्यादा कहो, चिंता कहो, अत्याचार कहो, उसका विचार करना ही था। तो आइए पहले हम चौपाई सुनते हैं, कैसे वन गमन के समय लखन लाल जी का व्यवहार कैसा रहा। भजन मंडली आरंभ करिए। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर है तू तात कछु नाही, दूसर है पैसिया राम बन जाहि, जो पैसिया राम बन जाहि, आवध तुम्हार काज कछु नाहि, आवध तुम्हार काज कछु नाहि, गुरु पितु मातु न जानौ दिवस जह भानु प्रकाश, दिवस जह भानु प्रकाश, नर पर धीर धर्म धुर धारी, नर पर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी, निगम मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले ही मराला, मंदर में रुकिले मराला, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रतीति निगम निजुगाई, प्रतीति निगम निजुगाई। इसका वर्णन पहले जो वाल्मीकि रामायण में हुआ वो मैं सुनाता हूं।
जो ही वन गमन का आदेश राम जी को मिला, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने अवध में युवाओं का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया था। उस संगठन के बल पर दशरथ जी को गिरफ्तार करने का अभियान शुरू किया, राजा के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। जाकर मां कौशल्या से कहा, मां ये क्या अवस्था है? मां सुमित्रा से कहा, मां ये क्या अन्याय है? मैं सहन नहीं करूंगा। और दशरथ जी के बारे में बहुत ही अप्रिय शब्द बोले, एकदम क्रोध में, मानो पूरी अवध को ही वो उलट पलट कर देंगे। और बाद में राम जी के पास गए, राम जी से भी उन्होंने कहा कि भैया क्या आप बस उस बूढ़े बशत की बात मान रहे हैं? आपने क्या किया? वो केकई और भरत और वो सारी कहानी सुनाई। वैसे भी सुमित्रा के दो संतान थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी राम जी के प्रति स्नेह था, शत्रुघ्न जी का भरत के प्रति स्नेह था। इसी शत्रुघ्न जी भरत के साथ ननिहाल में गए थे, और लक्ष्मण जी का भरत के साथ पता नहीं क्यों पहले से ही खटपट थी। तो भरत और उनकी माँ केकई और दशरथ जी के बारे में लखनलाल जी बहुत गुस्से में बोल रहे थे। और जब राम जी के सामने बोला तो राम जी ने पहले तो बहुत शांत किया, अरे लखन ऐसा मत करो, ये माँ पिता गुरु के समान होते हैं, भगवान होते हैं सर। अरे उनका भैया तुम्हारा धर्म अपने पास रखो, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इस बूढ़े राजा को दंड दूंगा जिसने धर्म के विरुद्ध तुमको आदेश दिया है। अंत में राम जी को कहना पड़ा, लखन अब तुमने एक भी शब्द पिताजी के बारे में बोला तो आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता समाप्त। जो ही राम जी ने कहा, लखनलाल जी विनम्र हो गए, नहीं भैया ये मत करो, मैं कुछ भी हूं तुमको नहीं छोड़ सकता। अब तुलसी रामायण लिखती है कि लखनलाल जी ने राम जी से कहा कि भैया तुम जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लखनलाल जी को राम जी बहुत समझा रहे हैं कि नहीं भाई देखो, पिताजी हैं, माँ हैं, इन सब का ख्याल कौन रखेगा, तुम यहीं रहो, धर्म ये कहता है, नीति ये कहती है। लखनलाल जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, एक व्यंग भी है और एक सच्चाई भी है। उनका भैया देखो, मैं केवल प्रेम का रिश्ता मानता हूँ, ये धर्म और नियम और कानून ये उनके लिए हैं जो बहुत बुद्धिवादी लोग हैं, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। आप जहाँ हैं बस मैं वही रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, बस आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं। और प्रेम और विश्वास, इसकी कोई दूसरी तुलना नहीं हो सकती, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए भैया आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं जाऊँगा। बहुत जिद की। देखो अब इसको जरा आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, राम जी धर्म की परिभाषा है और धर्म का एक नाम है हिंदुत्व। मैं पूजा पद्धति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मंदिर मस्जिद और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ जो पूजा पद्धति से बहुत ऊंचा है, एक जीवन शैली है, कोई संप्रदाय नहीं है। दुर्भाग्य से संप्रदाय के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है रिलीजन, धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए धर्म की
कल्पना ही नहीं थी। तो हिंदुत्व की प्रखर ज्योति है राम, और हिंदुत्व के साथ सदा रहने वाला है ये धरती की ताकत। कोई कुछ भी समझाए, कोई कुछ भी भाषण दे, लेकिन ये 50 करोड़ का समाज हिंदुत्व के लिए समर्पित था, है, रहेगा। ये उसके स्वभाव में है। और इसलिए एक बात और कहते हैं कि भैया मैं एक ही भाषा जानता हूं, प्रेम की भाषा। इस धरती की ताकत को जगाना है मित्रों, एक ही भाषा है प्रेम और विश्वास की भाषा, जो लखनलाल जी कह रहे हैं। आपने मुझको प्रेम दिया और विश्वास किया, भैया आप भी मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप सब कुछ हैं, गुरु हैं, बस आपके चरणों के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं सोच सकता, आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। ये ताकत है प्रेम और विश्वास की। यदि सारे हिंदू समाज का, इस वनवासी समाज को प्रेम और विश्वास मिल जाए, राम और लखन एक हो जाएं, तो फिर देश के उत्थान के लिए, वैभव के लिए क्या बाकी रहेगा। तो अंत में राम जी कहना पड़ा, ठीक है भैया तू कह रहा है तो चल साथ, चल जा मां से आशीर्वाद ले आ। लेकिन सुमित्रा तो लखनलाल से भी एक कदम आगे थी। देखो एक मां सीता का उदाहरण, जो केवल दुख और दुख और दुख बस, और दूसरा उदाहरण सुमित्रा का। क्यों ही सुमित्रा से, वैसे वाल्मीकि रामायण में तो बहुत लंबी चर्चा होती है, लेकिन रामायण में मानस में इतना ही है। क्यों ही लखनलाल जी माँ के पास पहुंचे और कहा, माँ राम जी वनवास में जा रहे हैं। अच्छा राम जी वनवास में जा रहे हैं तो तू यहां क्या कर रहा है, तू भी जा। अरे ये तो अनुमति लेने आए, वो तो आदेश दे रही है। और कहा, जहां राम है वही अवध है, ध्यान रखो। ऐसी मां जो अपने बेटे को कह रही है, जहां राम है वही अवध है, वही तेरा स्थान है। अब क्या बचा इस बात पे, ये इस देश की सुमित्रा का वचन है। और ये कहा, अरे लक्ष्मण राम तो तुम्हारे ही कारण से वन में जा रहे हैं, और क्या कारण जाने का। अब इस चौपाई का अर्थ समझो, वो कहते हैं, तुम ही भाग रामु वन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाई। राम जी तो तुम्हारे ही कारण वन में जा रहे हैं। अब इसको यदि हम आज व्याख्या करें तो वही, राम जी तो धरती की ताकत जगाने जा रहे हैं, इस वनवासी समाज का संगठन करने जा रहे हैं, और वही तो तुम्हारा रूप है। तुम धरती की ताकत के तो अवतार हो, तुम्हारे कार्य के लिए राम जी जा रहे हैं, तो फिर तुम्हारा यह रहने का मतलब क्या है, तुम भी जाओ। यह है हमारी देश की माताएं सुमित्रा। राम जी वनवास के लिए चले। अब वाल्मीकि रामायण यह कहती है कि जिन नौजवानों को लक्ष्मण जी ने दशरथ के विरुद्ध भड़काया था या संगठित किया था, अब उनको समझाने का तो समय नहीं मिला। राम जी के रथ के सामने अयोध्या के सारे नौजवान लेट गए, हम नहीं जाने देंगे आपको, सत्याग्रह। राम जी ने फिर लखनलाल का लखन समझाओ इनको, यह इस देश की युवा शक्ति। और फिर लखनलाल जी ने उनको समझाया, तब जाकर राम जी का रथ अयोध्या से बाहर जा पाया। अब सच में देखा जाए तो राम जी को वन में जाने का आदेश तो कैकेयी ने दिया, यह तो बात है,
लेकिन राम जी के साथ लखन लाल जी का जाना ये किसने आदेश दिया था? लखन लाल जी के मन में ये बात क्यों आई? लखन लाल जी की माँ वो ये बात क्यों कह रही है? यही धर्म है, यही शास्त्र है, यही हिंदुत्व है। और इसलिए रामायण हमको बताती है कि जहाँ हिंदुत्व है वहीं पर धरती की ताकत भी है, और जहाँ धरती की ताकत है वही हिंदुत्व की रक्षा करने वाला है। देखो, मैंने भी पहले कहा, सारे वनवासी क्षेत्र में कोई नमस्कार नहीं करता, सब राम राम करते हैं, और सारे नगरीय क्षेत्र में नमस्ते जी, नमस्कार जी, हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू जी, बस यही चल रहा है। किसी गांव में कोई तुमको नमस्ते नहीं करेगा, केवल राम राम कहेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे इस वनवासी समाज में, शौर्य समाज में, उसके हृदय में राम बैठे हुए हैं, और इसीलिए वो हिंदुत्व का रक्षक है, वो लक्ष्मण का स्वरूप है, वो धरती की ताकत है, वो शेषनाग का अवतार है। अर्थात हम पुनः इस विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे लखन लाल जी धरती की ताकत का प्रतिनिधित्व इस पूरे रामायण में कर रहे हैं। एक और बात भी, हमको यदि समाज रूपी परमात्मा का आराधन करना है, समाज रूपी परमात्मा की सेवा करनी है, उसी को धर्म कहा है। और राम जी फिर क्यों जा रहे थे वहां वनवास में? समाज के प्रजावत्सल बनने के कारण, प्रजा के कल्याण के लिए जा रहे थे। राम जी ने किसी मंदिर में जाकर दर्शन किया, यह वर्णन किसी रामायण में नहीं है। राम जी ने कितना उपवास किया, कितनी माला भजी, कितना तिलक लगाया, कितना उन्होंने बाकी कर्मकांड किया, इसका वर्णन कहीं नहीं है। हाँ, राम जी ने प्रजा के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, और वो धर्म के प्रतिनिधि बन गए। मित्रों, धर्म और कर्मकांड को अंतर करो। कर्मकांड धर्म के पालन की तैयारी का नाम है, और वो ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन धर्म अलग है, कर्मकांड अलग है। कृपया कर्मकांड को धर्म मत मानिए, कृपया धर्म को कर्मकांड से अलग समझिए। बस जब हम सब धर्म का पालन करेंगे, प्रजा के कल्याण का विचार करेंगे, हम समाज के लिए समर्पित होंगे, हम इस संपूर्ण समाज को सुखी और संपन्न बनाने का सपना देखेंगे, केवल समाज भारत का नहीं, कर्मन्तो विश्वमार्यम, सारी दुनिया के समाज को सुखी बनाने का विचार करेंगे, यही हिंदुत्व की परिभाषा है, यही हमारा धर्म है। आज इतना ही, अगली सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, इवेंट पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट, इवेंट।